आप सभी का स्वागत है। मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापर के मौत के मामले को लेकर एक बार फिर सिख समाज के लोगों में आक्रोश देखा गया। मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह थापर के मौत के मामले को लेकर एक बार फिर सिख समाज के लोगों में आक्रोश देखा गया। सिख समाज के लोगों ने उपायुक्त से मुलाकात कर हरपाल सिंह थापर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। वैसे इस मामले को लेकर सेंट्रल क्रू द्वारा प्रबंधन कमेटी के पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने जेल प्रशासन और जिला प्रशासन पर पूरे मामले को लेपापोती का आरोप लगाया है और कहा है कि मौत के 17 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक के परिजनों को नहीं सौंपा गया। इससे साफ जाहिर होता है कि जेल में हरपाल सिंह थापर की हत्या हुई थी। वैसे सिख समाज के लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। जानते हैं कि हमारे प्रोफेसर हरपाल सिंह जी थापर साहब जिनका जेल में जो है मृत्यु हो गया था और उसके संबंध में आज 13 दिन हो गए, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है यह है कि अभी तक परिवार के लोगों को उनकी मृत्यु कहते हुए उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जा रही। और टाल मटोल जहाँ जाइए वहीं पे आप वहाँ जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, आखिर परिवार के लोग कहाँ जाए। तो हम लोग वही जिला के मालिक हैं उपायुक्त महोदय, उनके यहाँ पर हम लोग आए हैं अपना बात रखने के लिए। तो ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर मान लीजिए उनकी वहाँ पर हत्या नहीं हुई है जेल के अंदर में, तो आखिर वो रिपोर्ट हम लोग को क्यों नहीं दी जा रही है। अगर रिपोर्ट सही होती तो निश्चित रूप से अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ये लोग पेपर में मीडिया में प्रेस कर दिए होते। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि इसका ये मतलब साफ साफ आता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं ना कोई संदिग्ध उनकी मृत्यु हुई है। आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।